रूरल सोशल स्ट्रक्चर रूरल सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एवरी सोसाइटी हैज सर्टन यूनिट्स हर सोसाइटी में मुख्तलिफ यूनिट्स आपको मिलते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं दीज यूनिट्स फॉर्म द सोशल सेटअप और सोशल स्ट्रक्चर दीज यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड सोशल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल प्रैक्टिस एंड सोशल ग्रुप्स तो सोशल इंट्रैक्शन सोशल ग्रुप्स सोशल प्रैक्टिस ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं ये सारे मिल के एक सोशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसको हम सोशल स्ट्रक्चर कहेंगे और रूरल एरियाज़ में ये सारे इंस्टीट्यूशन सोशल प्रैक्टिस सोशल ग्रुप्स सोशल इंस्टीट्यूशन ये सारे मिल के रूरल सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर में तीन सिस्टम जो वो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं फैमिली सिस्टम रोल ऑफ रिलीजन और मैरिज सिस्टम फैमिली सिस्टम जैसे आपको पता है मोस्ट रूरल एरियाज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी प्रमोट हो रहा है रूरल एरियाज़ में तो रिलीजन का रोल रूरल एरियाज़ में रूरल सोशल स्ट्रक्चर में रिलीजन इज़ वेरी रिजर एंड सिग्निफिकेंट इन रूरल लाइफ रूरल लाइफ में रूरल एरियाज़ में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं रिलीजन का रोल है ये बड़ा रिजड और स्ट्रिक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ तो मैरिज सिस्टम की अगर बात करें तो मोनोगी एंड पोली दोनों तरह के सिस्टम रूरल एरियाज़ में uh, इस वक्त राइज हैं uh, यानी कि एक वक्त में एक शादी या एक वक्त में दो शादियाँ या दो से ज्यादा शादियाँ भी रूरल एरियाज में हमें uh, मिलती हैं तो ये तीन जो सिस्टम हैं इनका रूरल सोशल स्ट्रक्चर में बड़ा मेजर और बेसिक रोल है